थे थे यो यो वेद की शिक्षा कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करते जा और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहां भी हो जैसे भी हो स्वस्थ तंदुरुस्त और ये प्रोग्राम देखे खातिर एकदम तैयार हुआ भाई बहन लोग वेद की शिक्षा वो कार्यक्रम है जहां पर ही वेद के हर एगो विषय के टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ तोड़ के आप लोग के ला जा और सब समझाए खातिर हर सप्ताह हमने के स्टूडियो में हमने के अतिथिगण आवेलन जा और आज के हमने के अतिथि अवन श्री पंडित केजू जी प्रणाम भाई जी प्रणाम सभी दर्शकों को भी प्रणाम तो चले हम एक मंत्र से शुरू कर ला जा ओम या मेधाम देव गनाह। पितर चोपास दया मा मध्य मेधया अग्ने मेधा, मेधा शांति 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 हई मंत्र वा यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय के चौदवा मंत्र है लेकिन सबसे पहले जोन आज के विषय पर चर्चा करब जा और पंडित जी जी से जानते जा कि आजकल पितृपक्ष में है जा और पितृपक्ष जोन है एगो पक्ष है और जानला जा कि दो प्रकार के पक्ष बात दू गो पक्ष बात एगो शुक्ल पक्ष और एगो कृष्ण पक्ष और पितृपक्ष के बारे में चर्चा करब जाए प्रोग्राम के तहत लेकिन बाद में अभी जो जानते जाए कि पाँच गो महायज्ञ में से एगो यज्ञ हा पितृयज त वेद के आधार पर हम जान खोजत रही कि जो पितृयज्ञ है ऊ का कहे कर महत्व का काह हाँ, तो, जैसे कि मर्ण के, के मंत्र सुनला जा कि मैं पिता शब्द डाल पितर शब्द ता पितर पित्री उन पितृे के बजाय जो जी जीवित बाँटे जो अभी जीते हवन जा कैसे कि माता पिता गुरु जितना विद्वान बा जितने बड़े बड़े उपाधि प्राप्त करके लोग बाटे स्वामी लोग बा तो लोग पितरी के पक्ष में आवेलन वो लोग के पितरी बोल जाला तो जितना भी जीवित बा लोग के पितरी बोली जा यानी कि जन पितरी शब्द बा वो पिता से निकला बा के हाँ पितरी पितरी तो विद्वान बा माता पिता हम के गुरु बाटे तो इस सब के हम लोग पितरी बोली जा तो पितरी यज इन के सेवा के जा सेवा तर्पण और श्राद्ध शब्द बाटे उनके के तृप्त के जा सेवा करे जा तो इस प्रकार से हम के पितरी यज संपन्न होवेला अच्छा अभी जन बोला कि हमने तर्पण कर ला जा और श्राद्ध अभी ढेर कोई बोला कि पितृपक्ष में चाहला तर्पण करे के तर्पण कौन है तर्पण बोल जाला तृप्त करे के जिससे तृप्ति हुए जैसे कि कोई के भूख लगल बा ओकरा तृप्त करे के ता परेला ओकरा भोजन दे जो उस समय जे आप ओकरा कपड़ा से तृप्त करे खोजबा त बेकाम बाटी हो कार्य जो करते हुआ पर सार्थक नहीं हो वस्त्र चाहेला और उ समय में जाके भोजन देवत हो जौ समय में जो वस्तु की आवश्यकता रहे ला, उही जब हम दा सत बड़े जनों के या कोई भी एक तर्पण बोल जाला तृप्त करे के बोल जाला हाँ। और सरकार शब्द बोलला श्राद्ध हाँ। श्राद्ध श्राद्ध जो श्रद्धा से करल जा श्रद्धा से एगो उमंग से विधि अनुसार मान ल कि हम तोहरा एगो चित देव त फेंक के देव त नहीं अच्छा बा फेंक के देब तो लगे आई सगवा तो उठा ले अच्छा आदर ना? के साथ एगो आदर के साथ अच्छा अर्थात हिजापरी बोल के ये मतलब है कि नहीं चला इंतजार करे के कि कोई गुजर गल फिर वो लोग के जो श्राद्ध करबा या तर्पण करबा अब जो माँ बाप जिंदा बा के भी बागवह सेवा सत्कार करे हाँ तो जो मर गल तो कैसे सेवा करब जा भस्मांतन शरीर गहला के मंत्र में बोलने से जब वो वे जब भस्म हो गए वो नहीं हवन त मान कपड़ा देव या तो भोजन देबह या को वस्तु देबह के देह दे जिला में पानी नहीं मरला पर भोजन हाँ तो जो जीवित माता पिता जो गुरु बा मान लो जा है समय बाटे कि के लोग दलग बा एगो पक्ष एगो समय अच्छा बात ता चले चल हम अपन गुरु जितना मान लो तो तुहर छोटा बचपन में जो गुरु याद कर दिल तो चल गए हरा भेंट करे वृद्ध हो गल हो पितर के अवस्था में जाके एगो एगो छोटा उपहार उपहार जाके कुछ दे देब या फल इत्यादि कुछ दे देब त इस प्रकार से सकप से तर्पण करे तृप्त करे और श्रद्धा से श्रद्धा में एगो दूगर शब्द आवेला कि सत्य से धारण किया हुआ ना सत्य से जो सच्चाई से बाटे मान अभी एगो कलम बाटे अब हम तोरा बोलब देख भैया हम श्रद्धा से देवत हे एक गातो समझ के खा तो हम तो श्रद्धा से देवत हे तोरा बोलब कि अगर भावना कर लो गातो के ही में तोहर तो भावना से गातो नहीं बनी तया तो पर सत्य नहीं हो श्रद्धा नहीं हो कि हम तोरा है चीज़ा देवत हे खाए के तू तो लेके चिंता में पड़ जेबा कैसे तो, खा कैसे खा तो सत्य नहीं अभी श्रद्धा नहीं कहालाई तो जो वस्तु जो चीज में लागू होला सत्य के धारण करते हुए जो जैसा बा वो अर्पण कर दो भोजन तू खा ले बत्य श्रद्धावल जाला हाँ तो पंडित जी जानते हैं जा कि पक्ष दूगो बा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर पितृपक्ष कैसे ता पित्री पक्ष पितृपक्ष खोजते है जा पितृपक्ष तब एगो बोली के सक सप बोले विशेष पक्ष नहीं बा पितृ खातिर हन जब पंच महायज्ञ में देख ला स तीसरा जो यज्ञ जो यज्ञ कहाला तब पक्ष मतलब कि कोनो निश्चित समय नहीं बा ओकर सेवा सत्कार करे के श्रद्धा से कुछ अर्पण करे के और तिर करके पक्ष ने वापस कि हम वैदिक मान्यता बोलेला कि रोज प्रतिदिन प्रतिदिन हर समय जैसे तोरा उचित समय लगे कि तू पितृ सेवा कर पक्ष नहीं है यानी कि समय नहीं है यज्ञ जैसे हमने कि अन्य प्रोग्राम में समझेली जा कि ना सिर्फ हवन कुंड में अग्नि जल्ला अग्निहोत्र कर लला फिर बाद करला, जुन्हा, जुन्हा, और जो हवन इत्यादि कर ला ऊ जाके यज्ञ हो जाला बल्कि यज्ञ जो अच्छा कर्म जो करब उ सबसे महायज्ञ कहलावला और में से एगो है पितृ यज्ञ और यानी कि माँ बाप जब जिंदा की सेवा कर और पर ही एगो मान्यता हे बोलला जा पितृपक्ष ओके okay, भोजपुरी में ढेर कोई बोला पितर पितरपक ढेर आम जनता लो के लोग पितरपक्वे बोले जा और छोटा से हम बतावल कि पितर पक में जो बा के छः बजे के बाद निकलिए नहीं भूत प्रेत बातें ओकर से बच के रहिए कहाँ तक इस अच्छा? देखा भूत तो बोल जाला जो चल गल भूतकाल भूल से ना हिंदी पढ़ने कुल में बैठ के हिंदी भूतकाल वर्तमानकाल भविष्यकाल भूत काल। मतलब कि कोई के एगो नाम धर ले जासे, एगो नाम यहाँ पर दर्शक के नहीं चाहे देखे कि मंगल कोई के नाम बोलत है जहाँ कि कोई के नाम मोहन उ गुजर गल बोलब से कि मोहन भूत हो गल चल गल भूत हो गल. अब और दूसरा शब्द जन बाटे भूत बा प्रेत बाटे प्रेत हम मृतक शरीर के प्रेत बोल जा सा मृतक शरीर हौ जो शरीर में आत्मा नहीं बहि हम जराई जाप से तो शरीरवा के प्रेत बोल जाला अब सब के जाला तो सबके सामने ज्यादा जराई गुप्त रूप से नहीं सबके सामने अभी जाके शरीर के भस्म कर दे रहा तब प्रेत हो गई है नहीं नहीं हाँ से चाह जब जब चल गल तो फिर आई ना बस की आत्मा तो परमात्मा के अधीन परमात्मा के अधीन बाटे दूसर शरीर में परमात्मा उकरा दाल दे बा बाटे खाली जो मुक्त आत्मा हो स्वतंत्र रूप से इच्छा अनुसार सकेला घूमे जो मोक्ष प्राप्त कर लगाक बा परंतु यहाँ पर जितना आत्मा शरीर के छोड़ेला उ उदसर शरीर धारण कर लेवेला ला बीच में कहाँ समय मिली वो लोग घूमे के, के जितने भी कैसे बोल स आत्मा बुरा कर्म करेला जानवर के शरीर में जाला अच्छा कर्म करेला पुनः मनुष्य के शरीर में आवेला तो लोग लेता ही नहीं हो घूमे के तो भगवान लिवे छोड़ देता त नहीं अच्छा बाटे और भी एगो विडम्बना है एगो मिथिया है कि ढेर कोई बोलन जा भूत प्रेत पर विश्वास करे लन जा अरे फल पर भूत कर दिले बा एकर पर मानी ला तू नहीं तो गलत फहमी जनबा कैसे बालक बाटे हमने एक पंडित और विद्वान आचार्य गण बाटे जो सही विद्या ग्रहण करके के प्रकाश के ओर लाना जिसका देवता बोल सब प्रकाश प्रकाशित करे के उजाला में लाए के अंधकार में नहीं लाए के और खासकर हम तो अपन माता बहन लोग के हम हम सलाह देव कि हाई सब बात नहीं माने के माँ में ममता है सकला और बारे में कुछ बोलब तो नहीं गंती लीमा लड़का के बारे में बोल देबह पति के बारे में बोल परिवार बा, के बारे में देबह बहुत दुखी हो जाए वो बोली नहीं कैसनो करके बचावा तो हम तोरा बोलब पढ़ल लिखल लोग जोन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर बाह जोन धार्मिक शिक्षा नहीं प्राप्त लबा, कैसे अभी वो का कैसे विभोक के बात बता सभूत को प्रेत को श्राद्ध को तर्पण को चीह शब्द शब्द जो आसानी से हन सगरों सिखाब जा कैसे एगो कार्यक्रम ऐसा झोली बाटे भी दुनिया के लोग सुनता हनिके तो हम सोचिला कि हन के सेतु माय बहन जो भवन वो पर असर करी नहीं चला माने सब बात कि की के जोन करने का फल बा हमने के अपन कर्म के फल हा। हम संगे जो था हमन के कमावल हा। ना हाँ के कमावल है आज दुख हो, गल बीमार हो गल तो हमने के कमावल हो गवल कोनो भूत प्रेत के प्रकोप नहीं है अच्छा पंडित जी आप कर्म पर विश्वास करेला जन बोल हाँ कर्म तो कर यानी कि जब एक आदमी बोला कर्मा हा तो हजा पर ही यदि ढेर कोई बोले कि गैल जन्म में हम शायद बुरा लियो कर कर्मा अभी तक भारत है पर कैसे विश्वास बा कि गैल जन्म के ही बुरा जन्म में अच्छा गज जन्म के छोड़ दे अच्छा जन्म में सब अच्छा काम करल बिना कोई के थेस पहुंचे जन्म में अच्छा काम करना और ई जाने ला, जब पैसा के मोल कब जमब पैसा के मोल तब जनब जब, जब तो थोड़ा कोन पैसा रही और कोई चुरा के चल गल थोड़ा कुन पैसा तो लगे पूंजी बा उस समय तोरा महसूस हो जब उस समय ब कोई तोह से छीन के चल गल तक कर्म के फल मिले ला जब में तू चेत भगवान तोरा चेतावे ला त कर्म के फल भगवान उचित समय में देवेला अकेला दस जन्म के बाद भी जैसे लोग आजों मिली कि लगे पैसा नहीं बाटे पैसा थोड़ा को चोर लेके चल गल तब बुझा ला कि हम भी कोई के चोरी कर ले हो अब जो चीज़ महसूस बा है पर बना महसूस हो अब हम मिलियो नहीं है ढेर पैसा बा तो बाोड़ा कुन कोई चोरी करके चल ग सीमा में बंटवा लेकर चल फर्क पर, नहीं, परी नहीं परी फर्क नहीं करी बस कि दूसरा पैसा हम लोग बाटे पर अभी जो है यदि देख जा अभी आधुनिक युग में जोन सबसे बुरा कर्म करेला आज सबसे खुशहाल जीवन जियता थे और जोन सबसे निमन जीवन ले सादगी के साथ राम प्रणाम सलाम करते सब खातिर अच्छाई करता सबसे जस्ती दुख वही सहेला तेजा कैसे सब कर्म पर विश्वास करे तो यहाँ पर गीता के आधार पर कृष्ण भगवान बोले लन कि प्रारब्ध प्रारब्ध कि पहले बात जो हमने कर्म कर देकर पर अधिकार नहीं हमनी के जोन करत है जो होता हबी ओकरो पर कुत्ते से कब कूदने दिमागे हो गल बाटे परंतु भविष्य के खातिर हम से बहुत चीज़ संभाले त तू बोलत हा कोई बुरा कर्म करता परंतु सुख में बा प्रारब्ध प्रारब्धारब्ध प्रारब कि कमाई ले रहा से ओकर फल यहां पर ओकरा मिलत और ये यहां पर ही शिषास यहां पर जो वो भगवान के भुला गल उ पाप करता पर नियम बना दे भगवान नियम बना बा तू जैसे करबे ओसे भोगबे पिछला जन्म में बहुत अच्छाई कर ले रहा। दान पुण्य बांट ले बाटले तभी फल मिलत आ भूलागल फल मिलत आई ही। और ही से तो तो गल, तो था। अभी जो तो में मिले हो कबो ओकर -कब परिणाम है जन्म में ओकर परिणाम है जन्म में देखे हाँ। और क्षमा पर विश्वास तू देखा मनु महाराज रीति क्षमा श्रम सोच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोध मनु महाराज वेद के आधार पर दस गो लक्षण बने होन कि मनुष्य पर लागू होला तो क्षमा यहाँ पर मनुष्य खातिर बाकी तो परमात्मा खातिर मनुष्य खातिर हाँ तो मनुष्य के चाहला क्षमा करेगी परंतु परमात्मा खाते हम बोल रहे परमात्मा क्षमा नहीं करेगा छोटा कृपा को अपराध कर ला तोहर लिखा जला चित्त ढेर तो कोई जुन पाप कर ला के बाद जाके रो रही बोलन दुगो अगरबत्ती बार के भगवान क्षमा कर दे हमर से भूल चुक हो गल और बुलंजा पापो हम पाप करमा हम पापो आत्मा पाप सम्भवत त्राहिम तो वेद के आधार पर परमात्मा क्षमा नहीं करेला परमात्मा यहाँ पर वैदिक सिद्धांत बोलेला कि तू जब परमात्मा क्षमा करे लगी तो आज छोटा कून पाप कर कल बड़ा पाप करके यार बोला दू गोतिको चढ़ाव जैसे कि दस गो अगरपति बारे दस गो कु चढ़ा दे बस तो थोड़ा कून जस्ती बड़ा पाप करी तो भगवान सौदागर नहीं है कि तू कैसे सौदा कर लह भगवान बोल रहा छोटा कुन से तू अपराध कर ले पाप पाप हो जाला परंतु जब मनुष्य नई चेत के ऊ दौरा दौड़ा अपराध बन जाला uh -huh. अपराध बन जाला तब भगवान पाप नहीं क्षमा करेला परंतु मनुष्य के परेला धर्म ये के लक्षण में बात दूसरा लक्षण धीरे क्षमा परेला मनुष्य के क्षमा करे के हमने, हम तोहरा क्षमा नहीं कर तो हर प्रति हम अनेक प्रकार के हम रचब पुनः बनाव यहाँ पर हम अपन दिमाग के गंदा करब मैल करब तो खातिर मनुष्य खातिर विधान बना तू क्षमा कर दे परंतु जे ऑन ड्यूटी बाटे कैसे न्यायाधीश ऑन ड्यूटी बाटे क्षमा कर दे गड़बड़ हो जाए। हाँ तो मनुष्य में आवेला परंतु यहाँ पर उकर काम हा, उकर है यहाँ पर न्याय न्याय करे तो क्षमा नहीं करी ना एगो अपराध के तहिके जन पूछल मनुष्य में कि कोई से कुछ हो अपराध होगा तो क्षमा करी स परन्तु इसमें देख ला से और ही बात बाटे कि वार कर के आगे वार कर के आगे तू अपन अपने आप के बचाव करला कि नहीं आतान के बजे मार दे हम क्षमा कर देंगे एक सेल्फ डिफेंस करला और हां बोलन जा के एक गाल जब मतलब एक थप्पर है जा तो हो गाल चाहिए कि कर पर मानिल तू नहीं 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 आज हमनी के कैसे बोला से हमनी के भारत आप देखिला जा हमनी समस्या में प्रॉब्लम में है, फस गले से तहय कारण है कि कार एक जना वार कर तो हर पर, तो जाना बचाव करे के जब ओम बोला सा ओम तो ओम सर्व रक्षक सर्वरक्षक कि की स्वयं के रक्षा कर स्वयं रक्षा करमत्मा हम कर रक्षा करी आज के धर्म संस्कृति कहा जाता तो देवी में जाता, तो जाता। हम नई रक्षा करता रखे कार्य करे खातिर और पंडित जी अभी जानने से जी दुनिया में दो प्रकार के पापी बा एगो जो लयिका अपन बाप के हला करला पापी सान और एगो पापी बान पाप करेला और हाउ पापिया पर बचा जा जौन पाप करेला और पापी के अर्थ ही का हा? जो पवित्रता के हरण करे प जमा अप प जमा अप त पाप हो जाला त प पवित्रता अप अपहरण करना न कैसे एक जना बोलब जा सिारेट में करता त हाउ धुआं का करेता अपवित्र करता अब ऐसे साधारण रूप से वह कि बोला कि नहीं हम तो पाप नहीं कर रहे हैं खाली हमार इच्छा हम हम एकर सेवन करते यदि अपन पैसा से हाँ, फूक है यहाँ पर जो वातावरण जो प्रदूषित कर दूषित तो जितना कार्य हम अपहरण पवित्रता के हम दूर अथी पवित्रता के दूर कैसे मान हमने शुद्ध प्राण वायु जैसे ऑक्सीजन बेला से अंदर लेनी सा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी एगो लासाल में जब ढेर कोई रही तो कार्बन डाइऑक्साइड से उस सफोकेट लगी देव पिता में कोई के कपाट दुखाई लगी तौच करनी अपवित्र कर देनी सा. ना तो पाप मतलब कि पवित्रता के हरण करना जितना भी पवित्रता बा कोई के ओकरा हमने हवन के दस कैसे चोरी करे के दूसर के दुख सब पाप में चलावेला जहाँ पर शुद्धता नहीं रहेला पवित्रता नहीं रहेला जहाँ पर शांति नहीं रहेला शांति के भंग करे के तब तो उ पाप हो गल ऐसे तो लागू होला अच्छा आजकल जा कि जो के संस्कृति के आगे बढ़ाए खातिर धर्म के आगे बढ़ाई खातिर बहुत कार्य हो बत जिन सेवक लोग हवन जा पर आज थी जाके जैसे बात कर शुरुआत में पितृपक्ष पर अभी एगो विषय कर में आवेला पिंडा पिंडा पर आप विश्वास कर लो पिंडा कौन तो पिंड बजाला संसार के जैसे हम के शरीर बा पांच तत्व से बनल बा संसार भी पांच तत्व से बनल बा तो पिंड बावे जाए नॉर्मल तैयार करे जला कि जो मृतक बा उकरा, बला के दे के त हमरा इसे होल बाटे कि नाना जब करत हलन जा नाना जी ता हम जाके देखब सांस के, के बखर रखलन जा तो हम तो वहाँ पर रहने कुत्ता उत्ता नहीं खाई कुत्ता के जाके बांध देव काल फजीर हो तो हौजे बा हो पिंडा दू दिन कौवा कौ नहीं के सब बराबर रहा बचपन से पिंड जो दादा पर दादा जो गुजर नहीं ले नहीं हो सक मान अभी तोहर पहला जन्म नहीं है ना भाई धर्म तू तो अभी तोहर कितने जन्म हो गल बा मानत हो जा हाँ, हाँ, ना मान ला कि अभी हाल ही में कोई तुह तोहर तुह हाँ जन्म के, हाँ के पत्नी या बेटा अभी हो सू कोना में हो तुरा मेरा मोरिश में जन्म ले ली के अब वो लोग समय आल है समयवा में कैसे पिंड पिंड दान दान करे के तो पिंडदान करो पिण्डान करी परी तो तो जाके खाए के तब तो परी उनसे नहीं जानब हाँ नहीं हाँ तो तोरा शरीर में से निकल के परी खाए के ना जब तू जेब हो खाए के तो यहाँ के लोग जो अपन परिवार हवी वर्तमान काल के बाई शरीरवा जरा दियन से तो होने से लौट के करब कहाँ जेब अब तो कब होल बात तू गल होना बरिस में कब तोरा महसूस कि रात के या कभी भी तू गल हो शरीर में से निकल के खाए और

हमने के पाप पुण्य बराबर रही तो साधारण मनुष्य के घर में जन्म सर पाप थोड़ा कून बढ़ ग परी जाके दूसर योनि में जाके से जाके जन्म हाँ, तब जब जाके भोग देब मान न बीस परसेंट तुहर तो जो पाप बढ़ योनि में भोग के पुनः तो ऐब मनुष्य शरीर में तब बात क्या जैसे कि शरीर में से निकल के जो कोई गल हो अनुभव करे हो जब संघतिया बा गितेश बबुआ बोलला हमेशा सपना में जाते जा भारत में जो खेला लाफ्रिक में जाके खा ला अब जी सपना में देखिला ना सपना में हाथ में मान के हाथ में एगो पिंडा रही तो सुनने में सुहाग <laughs> सकल बताए सबके फूल पिंडा सब रही अतः जब पिंडा से आने था आने होने से पैसा वैसा सब से सके आंदे जो कोई चढ़ावे लन सा आ फिलहाल को हमने कि उद्देश्य नहीं है कोई को ठेस पहुंचाए कि पर शायद जो साइंटिफिक जो बातें जो साइंटिफिक वैज्ञानिक सवाल उठेला वो कर पर हमने थोड़ा प्रकाश डाले की कोशिश कर लीजा अच्छा हमने के जो युवा पीढ़ी बा वो लोग के कौन संदेश दे हम आजकल जो देखा थे जा कि राब भटक जा सुन जा और परिवार के जिन लड़का लोग पर होल नहीं बा वो लोग माँ बाप तो प्रयास करते बा बातें करते हैं ओन जा लैकवा के निकाले के पास कोई एगो ऐसा माँ बाप नहीं बा जो चाहत कि लैक जुन पकड़ी मारू काम करी सब सबको खोजिला कि और भी बड़ा पद पर रही ओकर से और भी जानी रही ओकर से और भी जुन सूक्ष्म जीवन आनी पर आजकल देखते है जा कि ढेर परिवार एकर में सफलता नहीं प्राप्त कर जा ला यहाँ पर ही अभी हमने एक श्रावणी पर्व गत मास में रहनी सर ऋषि तर्पण एक शब्द ऋषि तर्पण वृषितर्पण ऋषियों की वाणी जुनबा उनके संदेश जुनबा घर घर पहुँचाए के ऋषि लोग मानव के उत्थान खातिर संस्कार सोलह संस्कार के निर्माण कल सर हम एक प्रोग्राम में बतलें रहनी सर कि संस्कार गर्भाधान से होला अभी तू बोला जवान लोग के सुनाई के कुछ की लोग के मार्गदर्शन करेंगे तो हम जवान लोग के हईए बोलब कि तो लोग विवाह कर बजा जा विवाह संस्कार है एगो सुंदर संस्कार हर बाद में गर्भ संस्कार गर्भाधान संस्कार कि तो लोग संतान के चहब से उत्कृष्ट प्रजा के रूप में चहब जा परेला है संस्कारवा के अपनाय के हम तो जवान लोग के हईए बोलब प्रोग्राम में जिन बात जो जितना भी संस्कार बा ओकर पर चर्चा करब जाओ और हर एगो प्रोग्राम एगो जुनबा संस्कार पर आधारित रही और पर ही के समय साथ छोड़ ले जाए बात पंडित जी थे जा जाकि आप बड़ी सक्रिय रूप से जुनबा सोशल मीडिया पर हुआ हो के बोला कि उस सोशल मीडिया पर जो हम दर्शकवा जाएक हो कहाँ पढ़ी सक थोड़ा व ज्वाइन करे उस सोशल मीडिया पर प्रतिदिन हम एगो कार्यक्रम लेकर आवत है फेसबुक पर पंडित कविराज खेदू पाँच बज के दस मिनट पर हमारा टाटर में पंडित के कविराज खेदू में फेसबुक में सर्च करा तो पाँच बज के दस मिनट से पाँच बज के साढ़े पाँच बजे तक ऐसे वो कार्यक्रम प्रस्तुत करते प्रतिदिन वेद मंत्र पर वेद की शिक्षाएं वो हिंदी पर आधारित बाँटे तो सक्यन जा देखिए पंडित जी ऐल और आज एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर लीजा एक खातिर तोरा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाई धर्मती सभी दर्शकों को भी धन्यवाद दर्शकगण वेद की शिक्षा अपन कार्यक्रम है तो का जहाँ पर हर सप्ताह वेद के विषय पर चर्चा कर ला जा और आज जो बातें जैसे पितृपक्ष में आई कर बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर ली जा कहे कि ढेर मिथ्या रिला या ढेर इधर कहल सुनल बात रहला जर पर प्रकाश आने के कोशिश कर ली जा तरह तो साथ बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से शुभरात्रि नमस्ते सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्